आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से मर्सिडीज बेंज भारत में जो सेल्स के मामले में पहले नंबर पे आती है। स्वागत है संतोष अय्यर जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो यही है कि आज आपने जो दो लग्जरी कारें लॉन्च की हैं, ये किस सेगमेंट में आएगी और इसकी USP क्या है? आज हमने जो दो गाड़ियाँ की है, कीमत इसकी अराउंड 1.1 करोड़ के आसपास है, बट ये दोनों डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए है। एक है हमारा GLC 43 AMG, जो GLC के अंदर हमने AMG इंजन लगाया, 1-man-1-engine कॉन्सेप्ट में, और ये एक परफॉर्मेंस कार कैटेगरी में आती है। और जो CLE कैब्रियोले, जो गाड़ी मेरे पीछे है, ये एक ओपन टॉप रूफ, जिनको वीकेंड ड्राइव जाना है, जिसको यू नो इवनिंग, इट्स मोर ऑफ एन इवनिंग कार। सो कस्टमर्स दोनों की यंग कस्टमर्स है, बट देयर नीड स्टेट। GLC एक डेली कार है जो आपके ऑफिस भी ड्राइव कर सकते हो, बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन एन्जॉय द परफॉर्मेंस ड्राइविंग। और जबकि ये गाड़ी मोर स्टाइलिश एंड मोर फॉर यू नो जस्ट कैजुअल ड्राइविंग, आप बोल सकते हो सिटीज़ के अंदर, इसी वजह से CLE है। जो ओपन टॉप कल्चर है, ये ग्लोबल मार्केट में काफ़ी है, और आप ये इंडिया में दे रहे हो, और आपकी भी एक और भी कार है जिसमें ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस ओपन टॉप कल्चर जो है वो कितना है, इसका भविष्य? सो दो चीज़ें, इंडिया में अगर आप वेदर की बात करो तो हर शहरों में जो वेदर है, यूरोप में फॉर एग्जांपल जो 18 डिग्री से 20 डिग्री की जो वेदर रहती है, जिसमें आप आराम से ओपन रूफ को लेके गाड़ी चलाओ, वो अवेलेबल नहीं है इन ऑल सिटीज़। सो मोस्टली कस्टमर्स इंडिया में ये इवनिंग्स में यूज़ करते हैं, यू नो नॉट व्हेन द सन इज़ आउट, शाम को पार्टी में जाना है, या अर्ली मॉर्निंग, या संडेज। सो दैट्स हाउ ये गाड़ी की यूसेज होती है इंडिया में। या तो लोग देहरादून जाए, या गोवा जा रहे, या पांडिचेरी जा रहे, तो तब दे ऑल्सो लव विद देयर फ्रेंड्स टू गो टुगेदर। सो मोर ऑफ ए फन कार है ये देन लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग कार, बिकॉज द गुड पार्ट इज विद द ओपन द क्लोज्ड रूफ, यू कैन स्टिल ये गाड़ी को आप बॉम्बे से गोवा लेके जा सकते हो, एंड देन आप रूफ ओपन करके देन यू कैन एन्जॉय गोवा। सो ये कल्चर आ रहा है अमंग यंगस्टर्स। वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू इंट्रोड्यूस ए कैब्रियोले इन इंडिया वे बैक इन 2012, और तब से हम देख रहे हैं कि हर टाइम हम नई लॉन्च कर रहे हैं गाड़ियाँ, तो देर इज ए सेट ऑफ कस्टमर्स जिसको कैब्रियोले पसंद है और जो आते हैं और लेते हैं गाड़ी। हाँ, सेल्स में आप नंबर वन पर हैं, तो फेस्टिव सीजन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली सेल्स में, बट अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस की भी बात करो, जो भी हमारी स्कोर्स है, जो भी हम CSI स्कोर देख लो, या कस्टमर एक्सपीरियंस की स्कोर्स देख लो, वी ऑल्सो आर लीडिंग देयर, बिकॉज हमारे लिए मोर देन सेल्स कस्टमर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हमने एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल भी लॉन्च किया। हम गाड़ियाँ आज आप जो फैसिलिटी में हो, ये हमारी नई लग्जरी फैसिलिटी है जो फोकस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस है। आपके क्वेश्चन के अगर मैं आंसर करूँ तो सेकेंड हाफ अगर देखो तो हम विथ ऑल दीज लॉन्चेस, हमारे पास और भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, और तीन गाड़ियाँ हम लॉन्च करेंगे, सेकेंड हाफ वी फील डबल डिजिट ग्रोथ होगा, और ये साल मर्सिडीज बेंज के लिए एक अनदर बेस्ट एवर ईयर होगा इन आर हिस्ट्री। हाइब्रिड कल्चर भारत में बहुत ही नया है, EV के साथ साथ ये भी पनपा है, और गवर्नमेंट इस पर उतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं देती है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें भी कई ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो हाइब्रिड अपना मॉडल ला रहे हैं, तो अभी हाइब्रिड को लेकर आपका क्या कहना है? सी ये एक हाइब्रिड वर्सेस EV का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाइब्रिड एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, वो आप डीजल से भी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सो दैट्स ए फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने, बट अगर आप जीरो एमिशन की बात करो, दैट मींस टेल पाइप एमिशन जीरो होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक छोड़ के और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सो अगर गवर्नमेंट को ट्रांजिशन करना है टू EV, बिकॉज EV की दो बेनिफिट है, एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है जो भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है, अगर हमें फॉरेक्स हमें सेव करना है, ऑयल इंपोर्ट को हमें कम करना है, तब हमें EV में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्शन देखो तो हमारा यही कहना होगा कि ऑल इन ऑन EVs, ताकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन को जल्द से जल्द ला पाए इंडिया में। और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तो ऑलरेडी कफे नॉर्म्स है, टारगेट है कफे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं इसे, जिसे हर OEM को अपना जितनी गाड़ी बेचते हैं उसमें उसे उतनी फ्यूल एफिशिएंसी और उतनी एमिशन का नॉर्म को मीट करना है। सो उसमें हाइब्रिड भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, डीजल्स क्लीन डीजल्स हमारे पोर्टफोलियो में, एंड ऑफकोर्स गैसोलिन ऑल्सो विद माइल्ड हाइब्रिड से आप अचीव कर सकते हो। सो हाइब्रिड वर्सेज EV का नैरेटिव नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड एज पार्ट ऑफ कंबशन इंजन, स्टिल इट्स एन एमिटिंग कार, पोल्यूशन एमिटिंग कार, और हमें EV को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए, ऐसे जीरो एमिशन कार।
अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील्स का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में बताते हैं।